दूसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान पर आया जड्डू का तूफान। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के बॉलरों के परखच्चे से उड़ाकर रख दिए और अंत में आकर भारतीय टीम को दूसरा T20 मुकाबला जिता दिया। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज हुआ, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने 68 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। लेकिन दूसरे T20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने आपस में प्रैक्टिस मैच खेला, जबकि रोहित शर्मा 11 की ओर से खेलते हुए दीपक हुड्डा ने 60 रन की विस्फोटक पारी खेली, तो वहीं सूर्य कुमार यादव 15 रन का योगदान दे पाए। हालांकि रोहित शर्मा 35 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों, रोहित शर्मा 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 180 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए, जिसके जवाब में ऋषभ पंत 11 की ओर से ओपनिंग करने आए सुरेश अय्यर के साथ दिनेश कार्तिक, जबकि सुरेश अय्यर 15 रन का योगदान दे पाए। उसके बाद दिनेश कार्तिक का साथ दिया हार्दिक पांड्या ने, जबकि हार्दिक पांड्या भी 35 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, पहले तो ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत 11 की टीम हार जाएगी, मगर अंत में आकर रविंद्र जडेजा ने मात्र 33 गेंदों का सामना करने के बाद 93 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली, जिसमें 8 छक्के और 4 चौके भी शामिल थे। वैसे गाइस, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि दूसरे T20 मुकाबले को भारतीय टीम जीत पाएगी या फिर नहीं।